हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रितुल मिश्रा। मैं आज फिर आप सभी का अपने एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से नई शिक्षा नीति 2022 बीए प्रथम वर्ष में हमें हिंदी में जो कार्यालय हिंदी है उसका प्रथम भाग पढ़ेंगे। तो बिना देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कार्यालय हिंदी का मीनिंग बताऊंगी कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। और ये अगर पूछे कि किसने कहा है तो ये अरस्तु ने कहा है, ठीक है। ये सोशियोलॉजी में आता है तो उसको अलग रखते हैं। बस मैंने आप सबको ये बता दिया रिमेम्बर कराने के लिए है। प्राणी है और भाषा समाज के सदस्यों के बीच संपर्क एवं संवाद का माध्यम बनती है। बिना संपर्क और संवाद के कोई भी समाज जीवंत नहीं माना जा सकता, अर्थात बिना भाषा के किसी भी समाज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपस में संपर्क और संबंध बनाए रखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा से ही मनुष्य अपना जीवन क्या बनाता है, सुगम बनाता है, ठीक है। आगे हम बताते हैं आप सभी को। भारत में विभिन्न भाषाओं में संवाद होता है, इसीलिए पता है आप सबको भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, फिर भी क्या है, भारत अपना क्या है, एक है, ठीक है। इन सभी भाषाओं की अपनी एक यात्रा रही है, लेकिन भारतीय समाज की संपर्क भाषा हिंदी से जहां वैदिक संस्कृति से यात्रा करते हुए आधुनिक हिंदी का स्वरूप ग्रहण किया है, वह एक सामाजिक क्रिया का आधार है। समाज निरंतर अपने विकास के साथ साथ भाषाओं का भी विकास करता है। समाज में होने वाले परिवर्तन की तरह ही उसकी अपनी भाषा में भी स्वार्थ नहीं रहा, इसीलिए निरंतर परिवर्तनों की धार पर चलकर हिंदी अपने अनेक रूपों के साथ वर्तमान में समाज के सम्मुख उपस्थित है। हिंदी के प्रयोजनिक के आधार पर उसके विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। तो इसमें हमारा पहला साहित्यिक हिंदी है, फिर कार्यालय हिंदी है, फिर व्यावसायिक हिंदी है, फिर विविध परक हिंदी है, फिर जनसंचार के माध्यम की हिंदी है, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी और सामाजिक हिंदी। तो इन सभी में से हमें जो सेकेंड है कार्यालय हिंदी, वही पढ़ना है। तो हम पहले उसका अभिप्राय देखते हैं। भाषा मनुष्य की अभिवृत्ति का एक माध्यम है। अलग अलग क्षेत्रों में भाषाओं का रूप भी बदलता है। दैनिक जीवन में मनुष्य अपने संप्रेरणा के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग करता है वह मौखिक बोलचाल की भाषा होती है। जो हम मतलब बात करते हैं वो मौखिक हो गए। वैसे तो भाषा के प्रत्येक रूप में मनाक्षत का निर्वाह होना आवश्यक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में यदि मानसता का प्रयोग नहीं भी किया जाता तब भी वह सामाजिक जीवन में लगातार प्रयोग में अभिवृत्ति का सबसे सशक्त आधार रहती। इसी तरह सांस्कृतिक संदर्भों में भाषा का रूप लोकगीतों में जिस प्रकार होता है वह मौखिक परंपरा के कारण मानकता का निर्वाह भले ही न करती हो, लेकिन हमारी संस्कृति आत्मीयता को संयोग रखने की उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी तरह साहित्यिक हिंदी का स्वरूप जहाँ अपनी प्रतिनिष्ठा के कारण अपनी अलग अलग पहचान रखता है, वहीं आंचलिक साहित्य में क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण साहित्यिक हिंदी एक नए रूप में भी हमारे सामने आई है। इसीलिए साहित्यिक हिंदी का रूप पूर्ण निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कार्यालयी हिंदी इससे भिन्न पूर्ण मानसिक एवं शाब्दिक परिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है। कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने यह माना कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, उसमें प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी कार्यालय हिंदी ही कहलाती है, ठीक है। तो कार्यालय रूप में चाहे जो भी क्षेत्र हो उसमें प्रयोग में जिस हिंदी को हम लाएंगे वही कार्यालय हिंदी है। तो ये हमारी कार्यालय हिंदी की परिभाषा हो गई। अब हम कार्यालय हिंदी की परिभाषा डॉक्टर डी के जैन के मत से देखेंगे। वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिषी, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है उसे कार्यालय हिंदी या कामकाजी हिंदी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक पृष्ठ नौ, ठीक है। अगली डॉक्टर उषा तिवारी, ये भी उनके अनुसार परिभाषा है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। हिंदी का वह स्वरूप जिसमें प्रशासन के काम में आने वाले शब्द वाक्य अधिक प्रयोग में आते हों, ठीक है, यही इनका परिभाषा है। इन दोनों परिभाषाओं में देखा जाए तो एक परिभाषा कार्यालय के क्षेत्र में अत्यंत विस्तृत दिखाई देती है, वही दूसरी परिभाषा में केवल मतलब बस केवल सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में
बांटी जाने वाली भाषा ही है, समाज के विभिन्न क्षेत्र के कार्यालयों में जो क्या है उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो परिभाषाएं हो चुकी हैं। आज मैंने आप सभी को कार्यालय हिंदी के बारे में उसकी परिभाषा और उसका मीनिंग बता दिया, रहे उसके उद्देश्य और उसके क्षेत्र, ये सभी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। सो गाइस, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।